साथियों, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं कि कृषि क्षेत्र को पहले कैसे हैंडल किया जा रहा था। साथियों, हमारे देश में पहले इथेनॉल तक को प्राथमिकता देकर इंपोर्ट किया जाता था, जबकि खेतों में गन्ना किसान परेशान रहता था कि उसका गन्ना बिक नहीं रहा या उसके गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया भी समय पर मिलता नहीं था। हमने इस स्थिति को बदला। हमने देश में ही इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया। पहले चीनी बनती थी, गुड़ बनता था, कभी चीनी के दाम गिर जाते थे तो किसान को पैसे नहीं मिलते थे, कभी चीनी के दाम बढ़ जाते थे तो कंज्यूमर को तकलीफ होती थी। यानी कोई व्यवस्था ऐसी चल ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ हम हमारे कार स्कूटर चलाने के लिए विदेशों से पेट्रोल लाते थे, अब अगर ये काम इथेनॉल भी कर सकता था। अब देश में पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है। सोचिए, इससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इससे गन्ना किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। साथियों, आज जब मैं उद्योग जगत के वरिष्ठ लोगों के बीच हूं तो इस बात को भी खुलकर कहूंगा कि जितना हमारे देश में एग्रीकल्चर पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना नहीं हुआ। इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर द्वारा उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। हमारे यहां कोल्ड स्टोरेज की समस्याएं रही है, बिना प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के सप्लाई चेन बहुत सीमित दायरे में काम करती रही है, फर्टिलाइजर की किल्लत होते आपने भी देखा है, इसका कितना इंपोर्ट भारत करता है आप भी जानते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की ऐसी कितनी ही चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है, लेकिन इसमें आपके इंटरेस्ट और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर से जुड़ी कई कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। फसलें उगाने वाले किसानों को, फल सब्जियां उगाने वाले किसानों को जितना आधुनिक टेक्नोलॉजी का, आधुनिक व्यापार और उद्योग के तौर तरीके का जितना सपोर्ट मिलेगा, उनकी जरूरतों को देखते हुए जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हमारे देश के किसानों का, फसलों का नुकसान कम होगा, उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी। आज ग्रामीण क्षेत्र में एग्रो बेज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। पहले की नीतियां जो भी रही हो, लेकिन आज की पॉलिसीज ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नीति से और नियत से सरकार पूरी तरह
किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है।